दूसरा बार गुरुदेव की महिना की कृष्ण पक्षा कृष्ण पक्षा की शुक्ल पक्षा की द्वादशी तिथि तिथि को अवलंबन करके श्री रूप गोस्वामी पाद नित्य लीला में प्रवेश किए थे। तिरुभाव विरह महोत्सव और गौर पार्षद गदाधर पंडित जी और कोई कोई तिरुभाव तिथि भी है और हमारे लिए एक और एक भी तिथि है श्री महाराज जी की आज प्रकट दिवस है। पूज्यपाद भक्तिवेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी जो श्री प्रभुपाद की गण में नित्य लीला प्रविष्ट ओंकिष्टपाद अष्टोत्तर सत शिष्यपद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणाश्रित श्री भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी उनकी प्रकट दिवस में उनकी चरण वंदना करता हूँ। शास्त्र में बोलते प्रमांडो रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता विजय तो भाग्यवान जीव है वो ये ब्रह्मांड को भ्रमण करते करते गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति लता बीज उनके हृदय में प्रकाशित होता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्त सुकृत पूर्व संचित इसे विषय गर्त में जो पड़ा हुआ जीव बद्ध जीव उनको ही विषय गर्त से उद्धार करके उनकी केश आकर्षण करके भगवान की श्री कृष्ण की चरण उन्मुखी कराते हैं। जैसे हम जैसे बद्ध जीव कर्मों में निष्ठा था अपना कर्म करके जीवन व्यतीत करते थे वही गुरु वैष्णव की संग प्राप्त हुआ और पहले दर्शन में वो हमारे ऊपर बहुत कृपा किए और हमारे श्री गुरुपाद पद्म इसे सदगुरु के चरण में हम लोग को पहुंचाए
भगवान बोलते हैं जब जीव के ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं तब सद्गुरु मिलन होता है। हर जीव सब समय यही प्रार्थना करना चाहिए, आप मेरे को दर्शन दे कि नहीं, परंतु हमारा सद्गुरु मिलन हो, उनकी चरण की सेवा हम लोग को प्राप्त हो, तब जीव सद्गुरु चरणाश्रित होने से उनका आदेश निर्देश को थोड़ा सा भी पालन करने के लिए चेष्टित तो होता है, तब भगवान जरूर कृपा करते हैं। महाराज जी हमारे ग्रहण में है, अभी उनकी सम्मुख में उनकी गुण कीर्तन करना नहीं चाहिए, दृष्टता है, तथापि वैष्णव की गुण कीर्तन करने से जीव का कल्याण होता है। जब पहले मठ में आके रहे श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में, उस समय में महाराज जी ब्रह्मचारी रूप में थे, श्रीपाद सनंद प्रभु जी गुरुदेव विशेष सेवा करते थे, अभी भी कर रहे हैं। कभी हम मंगल आरती नहीं उठ पाते थे, सुबह कीर्तन में थोड़ा लेट भी हो जाता था, चिल्ला के बुलाते थे, ए शमानंद हाँ इधर आओ, कीर्तन में बैठो, कीर्तन करो, बहुत आदेश निर्देश करते थे, आदर के साथ बहुत आदर करते थे और साथ देते थे। अभी भी भजन में उत्साह देते रहते हैं। गुरुदेव की प्रकट काल में इस समय श्री रूप गोस्वामी के तिथि के अवसर पर राधा गोविंद जी की जालौन यात्रा महामहोत्सव को कितना अभीष्ट चित्त में आदर के साथ सेवा करते थे और सबको कराते थे। श्री महाराज जी के सरल स्वभाव, विष्णु के प्रति आदर्श नवभाव और गुरुवर्व के प्रति जो निष्ठा उनको हम लोग अभी भी जो स्तर में देखते हैं, कोई
भजन निष्ठा और गुरु वर्ग की निष्ठा के माध्यम से वो अभी जगत जीव को कृपा करते हैं, कृष्ण नाम रूप लीला आदि कथा श्रवण कराते हैं, विश्वव्यापी गुरुदेव के अनुगत्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो भाव में गुरुदेव की सेवा किए और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वही भाव हमारे हृदय में उनकी कृपा से कभी उदित हो तब हम गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए हमारे अंदर कुछ लोभ आए। श्रील गुरुपाद पद्म श्रील रूप गोस्वामी के तिथियों पर उनकी गुण कीर्तन उनकी वैशिष्ट करते थे और बहुत सारे काल भी श्रवण किए थे, विद्वत सभा करते थे। काल एक वीडियो में देखता था, बहुत सारे बहुत पुराना चैतन्य गौड़ीय मठ में श्री भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के साथ गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी के विशिष्ट को आलोचना करते थे। समय में गुरुदेव बोलते थे जो रूप गोस्वामी पाद है ये महाप्रभु की अत्यंत अंतरंग परिकर श्री राधा गोविंद जी की लीला में श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी हम सारे रूपानुगत रूपानुगाय राधा कृष्ण के भजन बहुत सारे लोग करते हैं। द्वैती मार्ग और एक रागानुग रागानुग जो रागात्मिक भक्तजन वो भी भक्ति करते हैं, परंतु विशेष करके रूप गोस्वामी के अनुगत्य में करते हैं वो महाप्रभु के अनुगत होके वो भजन में विशेषता है। श्री कवि कर्णपुर जी ने श्लोक लिखा, वृंदावनिया रसकेली वार्ता काले न लुप्ता। जो भगवान जी जब पहले ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व को जैसे प्रकाशित किए, इसे श्री श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में सारे रस तत्व को प्रकाशित करके संचारित करके प्रयाग में रूप शिक्षा 10 दिन तक दिए। वहां पे महाप्रभु बोलते मैं बिंदु चखाया, एक बिंदु एक ड्रॉप दिया, उसको
विस्तार करके भक्ति रसामृत सिंधु रचना की। उनको उनके हृदय में शक्ति संचार करके वृंदावन की जो रास क्रीड़ा, राधा कृष्ण के जो मधुर लीला, उन्नत उज्जवल रस को प्रकाश करवाए। क्योंकि रूप गोस्वामी जो स्वरूप को कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना करते हैं, प्रिय स्वरूपे, दयित स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सजाविरूप महाप्रभु की अतीव प्रिय श्री रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र हम लोग कुछ अवगत है, कैसे कैसे वो द्राविड़ की देश के जो ब्राह्मण थे, फिर हुसैन शाह की पास कार्य किए, कबीर खास और शंकर मल्लिक हो गए रूप सनातन जी, फिर रामकली ग्राम में महाप्रभु के साथ मिलन हुआ, श्रील जीव गोस्वामी खूब छोटे थे, उनको भी साथ में ले गए, महाप्रभु के चरण में समर्पित किए। फिर महाप्रभु जब वृंदावन की ओर चले, उस समय में श्रील रूप गोस्वामी पाद पहले निकल गए वृंदावन की ओर, और कुछ मुद्रा दस हजार की मुद्रा देखे गए एक जगह में, और सनातन गोस्वामी पाद को एक पत्र लिख के समय सनातन गोस्वामी पाद को सिंह साथ कारागार में बंदी करके रखा था। कैसे भी हो महाप्रभु आए अभी वृंदावन के, और आप कैसे भी हो वहां से निकल के वृंदावन आ जाए। तब श्री गोस्वामी पाद को प्रयाग में महाप्रभु कोई शिक्षा प्रदान किए, कोई शिक्षा को प्राप्त करके रूप गोस्वामी पाद वृंदावन की सेवा में युक्त हुए। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जनभूत, महाप्रभु की जो मनोविष्ट सेवा, लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह की सेवा, उबिंदेव कुमाटी टीला में अंदर थे को प्रकाशित किए, उनके लिए मंदिर स्थापित किए, विग्रह की सेवा दर्शन किए, वैष्णव की सदाचार को सिखाए, विशेष करके भक्ति ग्रंथ की प्रणयन किए। जो भक्ति ग्रंथ राधा कृष्ण के उन्नत उज्जवल रस, श्रीमद् भागवत में जो श्री सुखदेव गोस्वामी व्यास जी महाराज जी लिखे और सुनाए, उसको विस्तार करके वो श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्जवल नीलमणि, हंसदूत, विदग्ध माधव, ललित माधव, और विशेष करके साधकों के लिए श्री उपदेशामृत ग्रंथ
सबका आदरणीय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी बोलते थे, ये जो उपदेशामृत है उसको सहजिया लोग जम के साथ मानते थे। उपदेशामृत सुन के अंदर भय होता था। ये सारे जो लिखे हैं क्योंकि वो आचरण नहीं करते इसलिए उनको सहजिया बोलते। सहजिया दलन एक ग्रंथ परम गुरुदेव रचना करके कहते फिर शिल गुरुपाद पद्म भी प्रबंध पंचकम एक ग्रंथ को रचना करके सहजिया को मुख को बंद किए और ये भक्ति रस शुद्ध भक्ति धारा को विश्व में प्रचार किए। श्रील रूप गोस्वामी पाद बाचम बेगम से लेके जी उपदेश को जो दिए साधक पहले सड़ जई सड़ विषय जो जो सड़ रिपु जई नहीं होने से भक्ति वर्धित नहीं होगा। सड़ रिपु को दमन करके और भजन में उत्साह रख के धीरे धीरे फिर श्री कृष्ण नाम में रुचि और अंतिम में श्री राधा कुंड तथा वैकुंठ जनित मधुपुरी जब श्रील रूप गोस्वामी पाद मथुरा में पहले पहुंचे। मथुरा महात्मा लिखे जितना दिन मथुरा में रहे शायद एक महीना की इतना दिन इतना याद नहीं। मथुरा महात्मा पहले लिखे फिर आके वृंदावन में कभी कभी तेर कदम में श्री सनातन गोस्वामी पाद आते थे मिलते थे। भक्त भक्त से मिलते थे तो भारिकता चर्चा होता था। मदगता मच्चिता मदगत प्राण बोधय परस्पर इष्ट गोष्ठी करते थे। इस इतना मग्न हो गए तेरे कदम में राधा जी खुद आके बालिका के स्वरूप में खीर बनाए और उनको प्रदान किए। तब सनातन गोस्वामी पाद समझ गए वो प्रसाद को पाके जे श्री राधा जी खुद आके हमारा सेवा की। ऐसे ऐसे बहुत सारे घटना है रूप गोस्वामी पाद की बहुत वैशिष्ट है। धीरे धीरे हम लोग श्रवण करेंगे महाराज मुख से और जितने वैष्णव है वो जैसे महाप्रभु की धारा में एक प्रमुख भाषाचार्य रहे विशेष करके श्री गुरुपाद पद्म के अनुगत में सारा विश्व में वही चीज को देने के लिए यही चीज पाने के लिए हमारे अंदर लोभ आ जाए। विदेशी खूब छोटा छोटा बच्चा को भी गुरुदेव पूछते थे भक्तों के बच्चे हैं हमारा गोल क्या है वो बोलते हैं राधा दास राधा कौन है दास क्या है वो जानते नहीं परंतु बोलते थे राधा दास। यही चीज को गुरुदेव सबके अंदर सरल रूप में भर देते थे। कभी उनके चरण में प्रार्थना करते गुरु वैष्णव के चरण में श्री रूप गोस्वामी पाद की सर्व गोस्वामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वही उन्नत उज्ज्वल रस
जो कभी भी संसार में नहीं मिला था जगत जीव को, वही कृपा करके करुणा करके महाप्रभु लाए और श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से सबको मिला। वही चीज हमारे हृदय में कभी देते हो, वही लोग में हमारी गुरु वैष्णव की सेवा करने के लिए राशि इतना बोल के पाद पुष्पांजलि उनके चरण में प्रदान करता हूँ। वो हमारे ऊपर कृपा करें। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमशन सयुजन्वापते नम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणांतिकम्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम आराध्यत
ಸಂಯತಂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಕರುಣಾಭಾರತಿ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಳಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಕಮಲ ಮೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತೇ ಹೋಗಿ ಉನ್ಕೆ ಅಹೇತುಕಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ರೂಪಾನುಗ ಗೌಡಿಯ ಗುರುವರ್ಗ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಸಬ್ಕೆ ಚರಣ ಕಮಲ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಉನ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಉಪಸ್ಥಿತ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಧರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಕಮಲ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಉನ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಮಹಾರಾಜಿ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಸಬ್ಕೆ ಚರಣ ಅಧಮಕಾ ಜಥಾಜತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಸ್ವೀಕಾರ. आज एक विशेष तिथि है हमारे गुरुवर्ग के आदरणीय तिथि और हमारे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापन करने वाले इसी भूतल में श्री श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास में रहते हुए उन्होंने महाप्रभु की शिक्षा आदर्श वैराग्य को और आचरण को जिस प्रकार अपनाया, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के पास में हर समय नहीं रहते थे, फिर भी उन्होंने महाप्रभु की मनोभीष्ट को स्थापना की जगत में. इसलिए गुरुवर्ग की गुरुदेव की सेवा गुरुदेव के पास में रहने से होगा ऐसा बात नहीं है. गुरुदेव के पास में या दूर में कहां पर भी रह करके गुरुदेव की सेवा कर सकते, मनोविष्ट की सेवा कर सकते. इसलिए श्रील हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत चक्र प्रभुपाद कहते थे, आज भी पूज्यपाद महाराज की आविर्भाव तिथि बड़ी अच्छा दिन पर श्री रूप गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि पर महाप्रभु महाराज की आविर्भाव तिथि, तो ये बहुत बड़ी वस्तु है कि गुरुदेव की आविर्भाव और तिरुभाव शिष्य की हृदय में ही होता है. गुरुदेव भगवान की निजजन है, इसी जगत के जड़ मुक्त जीव के मंगल विधान करने के लिए ही इसी जगत में आते हैं, लेकिन उनकी प्रकाश मंगल विधान करने के लिए, लेकिन कृपा करने के बाद में भी जब जीव अन्य अभिलाषी अभिमानी और ज्ञानी कर्मी बनता है, चाहे पूर्व संस्कार की वजह से और कोई दूसरा संघ की प्रभाव से, तो गुरु वस्तु का संघ के प्रभाव से जब ये अपना दिया हुआ वस्तु रूपानुगत भजन धारा के प्रति लोभ नहीं पैदा होता, तो उसको देख करके गुरुदेव उनसे आत्मा गोपन करते, तो उसको कहते तिरुभाव. नहीं तो गुरुदेव अखंड तत्व है, हमारे गुरु परंपरा अखंड तत्व है, तो आत्मा प्रकाश शिष्य की सेवनमुखी वृत्ति जितना होगी, अखंड गुरु तत्व की उतना आत्मा प्रकाश होगा हृदय में, और शिष्य की सेवा बहिर्मुखता जितना होगी और उतना ही फिर आत्मा गोपन करेंगे शिष्य के हृदय से. तो शिष्य हृदय में आत्मा प्रकाश गुरुदेव की और शिष्य हृदय से आत्मा गोपन गुरुदेव की, ये दोनों बात शिष्य के मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है. शिष्य की सेवन मुखता से गुरुदेव की आत्मा प्रकाश और सेवा गुरुदेव की सेवा करने की बहिर्मुखता से वृत्ति से गुरुदेव की आत्मा गोपन हृदय से होती है. अखंड गुरु तत्व मंगलमय वस्तु कभी भी अमंगल नहीं कर सकते. तो इसी प्रकार आज रूप गोस्वामी तिथि है. आज तिथि हम लोग को इसलिए है कि ये तिथि आने के बाद हम लोग बार बार इसी चीज को स्मरण करने के लिए, क्योंकि इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते थे, कोई भी गुरुत्वपूर्ण कितने गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति कितने गुरुत्वपूर्ण वस्तु को
कितने गुरुत्वपूर्ण अवसर पर देने पर भी ये कलिजुग का धर्म है और बद्ध जीव का स्वभाव है, वो विस्मृत हो जाएंगे, उसी वस्तु को भूल जाएंगे झट करके। लेकिन कितना अनाचार व्यक्ति और कितना निंदनीय वस्तु अगर बोल दे और हमारे कान में आ जाए और लाइफ टाइम उसको स्मरण रखेंगे। ये साक्षात प्रमाण उदाहरण स्वरूप है रूप गोस्वामी पाद और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु स्वयं कृष्ण आए और दिए उन्नत उज्जवल रस और हमारे जैसा हतभागा को, लेकिन होने पर भी और इसी कलिजुग में, सत्ययुग में नहीं कलिजुग में, लेकिन होने पर भी हम विस्मृत है। ये हमारे स्वभाव है, कलिजुग का धर्म है। इसलिए आज ये तिथि बार बार हम लोग बड़ी आडंबर के साथ, बड़ी उत्साह के साथ इसलिए पालन करते हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट और संस्थापक जो कि श्रीमन चैतन्य श्री रूप गोस्वामी पाद के विचार को और उनकी हम किस प्रकार रूपानुगत है उसको समझने का, उसको वो समझने का और उनको अनुसरण करने का और लक्ष्य उनको उसी लक्ष्य को ही हमारे लक्ष्य स्थापन करने का एक सु अवसर है। इसलिए आज के जो तिथि है हम लोग के लिए बड़े गुरुत्वपूर्ण है। गुरुदेव इतना उल्लास के साथ, इतना प्रीति के साथ आज के तिथि को पालन करते थे कि बड़ी आनंद के साथ इसलिए पालन करते थे कि सब लोग समझे, क्योंकि हम लोग रूपानुग है। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरचक्र प्रभुपाद भी अंतिम समय में उन्होंने एक बहुत बड़ा बात उपदेश दिए थे। उन्होंने बोले इसी जगत में हम लोग ये जो जरद गब तुल्य मतलब पतन उन्मुख, हर समय पतन के ओर जाने वाला ये शरीर को हमने जो महाप्रभु की संकीर्तन सप्त जीवा परिव्याप्त महाप्रभु की श्री कृष्ण चैतन्य की संकीर्तन यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं, तो हम लोग के लिए विशेष वार्ता ये है, हम लोग के अंदर ये भावना रहना चाहिए, हम लोग कोई कर्म वीरत्व नहीं है या हम लोग कोई धर्म वीरत्व नहीं है, हम किस प्रकार केवल इतना ही इतना हम लोग का स्मरण में रहना चाहिए, हम रूप गोस्वामी पाद के केवल किसी प्रकार भी रूप गोस्वामी पाद के पाद पद्मों के धूलि हमारे स्वरूप है और वही हमारे सर्वस्व है। तो इसलिए उनकी मन में इच्छा था और उन्होंने व्यक्त किए थे, मेरा वो आंतरिक इच्छा है कि सारा जगत में रूपानुगत चिंता स्रोत का प्रवाहित हो, रूपानुगत चिंता स्रोत का प्रवाहित होना चाहिए जगत। उनका एकांत इच्छा था, इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म भी रूपानुगत क्या है उसको अच्छी तरह व्याख्या किए। रूपानुगत क्या है? भक्ति रागात्मिका, रागानुग और रूपानुग, ये शब्द सुनने के लिए राग राग एक जैसा लगने पर भी जमीन आसमान का अंतर है। रागात्मिका जन है जो लोग निज जन राधा कृष्ण की नित्य सेवा में प्रतिष्ठित है, ललिता विशाखा आदि ये सब क्या है? रागात्मिका जन है। लेकिन रागात्मिका जन के अनुगत हो करके, लोभी हो करके उनके आचार विचार और सेवा को जो अनुसरण करते हैं ये लोग रागानुग है। लेकिन हर रागानुग भक्त रूपानुग नहीं है। गुरुदेव कहते थे जीव गोस्वामी जो जयदेव गोस्वामी पद ये रागानुग भक्त है। बसंत रास की ग्रंथ गीत गोविंद इतना माधुर्यपूर्ण ग्रंथ लिखने पर भी जयदेव गोस्वामी पाद रागानुग है, रूपानुग नहीं है। लेकिन राय रामानंद ललिता विशाखा वो तो रूप गोस्वामी से भी परे है, उनका अलग है भाव, अपना सेवा सौभाग्य की सौष्ठव अलग रूप से है। लेकिन जो रूप गोस्वामी पाद के रूपानुग मतलब क्या है? रूप अनु प्लस ग, रूप मतलब रूप गोस्वामी के आचार विचार, उनकी प्रदर्शित और प्रेरित ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, ये ग्रंथ को पीछे पीछे यानी अनुसरण करके, ग मतलब उसको अनुसरण करना,
पीछे 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 और उनको समझना और उसी अंतरंग बन करके उसी वस्तु को प्राप्त करना, ये रूपानुग की विचारधारा है। तो हम लोग रूपानुग सारी रूपानुग वैष्णव रागानुग है, लेकिन सब रागानुग रूपानुग नहीं हो सकते। तो इसलिए रूप गोस्वामी या रूप मंजरी उनकी राधा कृष्ण की सेवा सौष्ठव की विचार को जो लोग आचरण में और प्रचार में ग्रहण करते हैं और उसके द्वारा प्रेरित होकर के आचरित प्रचार करते हैं, तो ये लोग रूपानुग है। रूप गोस्वामी पाद की जो अद्भुत महिमा उनकी, चाहे उनकी ग्रंथ पढ़ने के बाद कोई कोई जागतिक लोग कहते हैं कि देखो रूपानुग ये जो रूप गोस्वामी पाद लिखे उनको तो काव्य प्रकाश धनवा लोको साहित्य दर्पण आदि ग्रंथ में बड़े बड़े साहित्यकार भी उसको लिखे हैं, रस क्या है, नाटक क्या है और रस में किस प्रकार सुखिया परकिया भाव क्या है और उपमा अलंकार आदि अनेक प्रकार की इसी प्रकार रस के बारे में, रस काव्य के बारे में लिखा है, लेकिन वो काव्य रस है ये पारमार्थिक राधा कृष्ण की प्रेम विलास रूपी उन्नत उज्जवल रस नहीं है। जिस प्रकार गांव की कुत्ता को ग्राम्य सिंह कहा जाता है, लेकिन जंगल में पशुओं की राजा को भी सिंह कहा जाता है, सिंह शब्द दोनों में लगने पर भी ग्राम्य सिंह कुत्ता को समझना पड़ेगा, लेकिन सिंह जंगल की पशुराज सिंह को नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए जागतिक जगत की संस्कृत साहित्य विद्वान लोग जो ग्रंथ सब लिखे, धनवालों को साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश आदि ग्रंथ, नाटक आदि ग्रंथ लिखे, ये ग्रंथ में चाहे नायिका नायिका की विभेदीकरण आदि विचार किया गया, लेकिन होने पर भी ये ग्राम्य सिंह की समान जागतिक काव्य रस के बारे में विचार विमर्श और चर्चा और चर्चित है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखे भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नील मणि और हमारे विदग्ध माधव ललित माधव हंस दूत नाटक चंद्रिका और प्रयुक्त ख्यात मंजरी आदि अनेक अनेक संस्कृत पारमार्थिक संस्कृत साहित्य को अनवद्य अवदान जो रूप गोस्वामी पाद के ये सब ग्रंथ पशुराज सिंह की तरह राधा कृष्ण की अप्राकृत प्रेम लीला की भक्ति रस के बारे में वर्णना है। पहले तो भक्ति जोग तो था ही, लेकिन भक्ति जो रस कैसा है उसको रूप गोस्वामी पाद ने प्रतिपादन किए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जिस प्रकार पारकीय भाव की स्थापना की, उन्होंने जिस प्रकार श्रृंगार रस की व्याख्या की, श्रृंग शब्द अर्थ क्या है, रूप गोस्वामी पाद कहते श्रृंग शब्द का अर्थ है शिखर। शिखर मतलब श्रेष्ठ, पर्वत की शिखर जैसा, इस प्रकार सारी रस में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान को मंडन करने वाला जो रस है वो है श्रृंगार रस। और दूसरा क्या है, श्रृंग शब्द का अर्थ है पवित्र, इसलिए श्रृंगार रस अत्यंत पवित्र रस है। जो राधा कृष्ण की विलास रस है वो पवित्र रस है, इसलिए उसी रस का नाम है उज्ज्वल रस। ये पवित्र अपवित्र वस्तु अंधकारमय होता है, लेकिन पवित्र वस्तु उज्ज्वल होता है, इसलिए केवल उज्ज्वल नहीं, महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद उनका नाम दिए उन्नत उज्ज्वल रस। तो सारी उज्ज्वल रस में भी उन्नत महाप्रभु, जिनको महाप्रभु बारे में उन्होंने इसलिए बताया स्वभक्ति श्री, श्री मतलब शोभा, जो मंजरिया की भाव, ये सब कुछ महाप्रभु ने जो देने के लिए आए उनको महाराज तो बता रहे थे एक बिंदु उन्होंने दिया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने उनको भक्ति रसामृत सिंधु में सारी लहरियों में जिस प्रकार उन्होंने भक्ति किया है, सख्य रस क्या है, शांत क्या है, साधन क्या है और साध्य वस्तु क्या है, संबंध अविधेय प्रयोजन क्या है, युक्त वैराग्य और जो शुष्क वैराग्य क्या है उसका जो परिभाषा और उनको उदाहरण, और उज्जवल नीलमणि में जिस प्रकार प्रकरण सखी प्रकरण और रस प्रकरण को जिस प्रकार उन्होंने वर्णना किया सखियों के बारे में, तटस्था स्वपक्ष विपक्ष सुहृत पक्ष, ये सारी बारे में जो वर्णना किया उनमें केवल हमारे संप्रदाय के आचार्य लोग जो रूप गोस्वामी पाद को अनुसरण के ऐसा बात नहीं, चाहे किसी कारणवश कोई भी संप्रदाय में गए और सारी आचार्य लोग
इसी रूप गोस्वामी पाद के सारी ग्रंथ के विचार को ये लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए उनकी जिस प्रकार केवल एक एक वर्णना है, बंसी को लेकर के जिस प्रकार सत्यभामापुर में जो लिखे गया विदग्ध माध्यम में जिस प्रकार उन्होंने वर्णना की है अद्भुत है। और हरिदास ठाकुर जी उनकी वर्णना को देखने से एक श्लोक बोलकर मैं बंद करूंगा, महाराज जी बताएंगे अभी कि तुंडे तांड बिने रतिंग बितन होते तुंडा बड़ी लब्धय कर्ण क्रोड क्रडम बिनी घटयते कर्णार उदेभ्य स्पृहम चेत प्रांगण संगिन विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नोजान जनिता कियद विमृति कृष्णेति वर्ण द्वये। उन्होंने इसी श्लोक जो रचना किए और हरिदास ठाकुर जो इसी श्लोक को श्रवण किया और देखा, देखने वाला तो नृत्य करने लगे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं हरिदास ठाकुर जी ने बताया, यद्यपि मैं हरिनाम की महिमा बहुत बार सुना और महाप्रभु के मुख से भी सुना, बड़े बड़े आचार्य के मुख से सुना, शास्त्र वेद पुराण से भी स्तुति मैंने हरिनाम की सुना, लेकिन इस प्रकार हरिनाम की महिमा रूप गोस्वामी के अलावा और कोई वर्णना नहीं किया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जिस प्रकार उन्होंने पारकीय बाद की स्थापना किए और ऐसा बात अभी जो कुछ है, हम तो हर साल होता था सुबह जाते थे रूप गोस्वामी पाद के समाधि पीठ पर भजन कुटी पर, वहां पर आरती और रूप गोस्वामी पाद में कथा कीर्तन होता था, फिर आकर के दिन भर कथा कीर्तन और शाम को विद्वत सभा में रूप गोस्वामी के बारे में हरी कथा होती थी। लेकिन इस बार तो हम लोग को उसी उत्सव से बहुत दूर है, लेकिन जहाँ पर भी रहे वैष्णव के स्वभाव है, तो बड़ी सौभाग्य के कारण महाराज जी के अनुगत्य में आज यहाँ पर हम रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में वाचनिक पुष्पांजलि और उनकी अपना हृदय पुष्प को दे करके हमारे प्रार्थना भी करेंगे, विचार भी उनकी उनकी विचार उनकी शिक्षा उनके आदर्श हमारे हृदय में स्फुरित हो और गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए अनुगत्यों के साथ उनकी विचार को समझ सकते। प्रार्थना करते हुए मेरा वाणी को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। कंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्त्रीणं दन्तै इदं जाचे पुनः पुनः श्रीमादुरूपपदां भोजधूलिश्यां जन्म जन्मनि श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। एवं श्री रूप गोस्वामी समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है,
आज श्री लॉर्ड रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव महामहोत्सव है। अभी अभी हम लोग इनकी बहुत बहुत कथाओं को हम श्रवण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम है महाप्रभु रखा रूप। पहले इनका नाम क्या था? दोनों भैयाओं का नाम साकर मल्लिक और दबरीघास, लेकिन महाप्रभु ने इनका नाम को बदला दिया और रखा रूप और सनातन नाम रखा। अभी प्रश्न है, महाप्रभु जब कोई नाम रखते हैं ना, वो ऐसे नाम नहीं रख लेते, जिसका सिद्ध स्वरूप में जो चीज विद्यमान है वो ठीक वही नाम को वो देते हैं। तो फिर इनका नाम रूप पर क्यों लिखा? इसलिए श्री जीव गोस्वामी के रूप गोस्वामी का शिष्य श्री जीव गोस्वामी थे, उनने श्री रूप गोस्वामी का एक अष्टक लिखा है। वो अष्टक के अंदर में अद्भुत अद्भुत रूप में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी का महिमा को उन्होंने गाए। तो अष्टक में एक श्लोक है, वो श्लोक में कहते हैं रूप इसलिए नाम रखा, ये कहती है सबका रूप है। कहते श्री स्वरूप दामोदर का भी रूप है, कहते श्री राय रामानंद का भी रूप है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का रूप है, कहते श्री जीव गोस्वामी का रूप है, महाप्रभु का भी रूप है, राधा रानी के भी रूप है, ललिता विशा का, ये सबका रूप श्री रूप गोस्वामी। इसलिए इनका नाम उन्होंने क्या रखा? श्री रूप गोस्वामी, इनका नाम श्री रूप रखा। इसलिए कहते जो रूप है, इसलिए ये रूप का नाम को इसलिए कवि कर्णपुर ने झरी लगा दिया। हाँ, जो रूप है इसलिए बोले प्रिय स्वरूप है, दयित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ततान रूप है, स्वविलास रूप है और प्रभु रेख रूप है। इसलिए रूप का उन्होंने इतना उन्होंने प्रिय रूप 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 की उन्होंने झरी लगा दिया। इसलिए हमारी संप्रदाय में जितने सब वैष्णव लोग हुए हैं, इन लोग ने क्या किया? सबके सब श्री रूपानुगतों की इन लोग ने प्रार्थना किया है, सबके सब इनकी रूपानुगतों को प्रार्थना किया। इसलिए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, अभी हम भजन सुन रहे थे ना, बोले सुनिया छे साधो मुखे बोले सर्व जन, श्री रूप कृपाए मिले जो गला चरण। इसलिए कहते सुनिया जी साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपा मिले जुगल चरण। कहते इनकी कृपा से ही जुगल चरण की राधा कृष्ण की सेवा इनकी कृपा से मिलता है, हैं? इसलिए श्री फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के फिर क्या बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे आई बे आखोती कभी हम हो जब से जो गल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहो मोर वास, प्रार्थना करे सदा नारोतम दास। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आस, हमारी आस कहाँ पर रहे? कहते श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ जी के चरण में हमारी आस वहीं पर रहे, हैं? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते, कबे लोकनाथ मोरे संगे लिया जावे श्री रूप रघुनाथ पद में मोरे समर्पित। कब ऐसे होगा जब मेरे गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मेरे को साथ में ले जाएंगे, लेकर के कहाँ पर अर्पण करेंगे? बोले श्री रूप गोस्वामी के चरण में ही अर्पण करेंगे। कहते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कस्तूरी मंजरी, ये क्या कहते हैं, हर अध्याय का लास्ट में कहते रूप रघुनाथ पदे रहु मर आस और चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। हर अध्याय का लास्ट में श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य इनकी अनुगत्य की सबके सब इनकी अनुगत्य की सबके सब प्रार्थना करते हैं इनके अनुगत्य की। इसलिए यहाँ पर कवि कर्णपुर तो रूप का झरी लगा दिया। ये कहते किसका? बोले प्रिय स्वरूप है, कहते श्री स्वरूप दामोदर का ही जो अत्यंत अत्यंत प्रिय है, हैं? इसलिए प्रिय स्वरूप है और दयित स्वरूप है, ये अत्यंत प्रिय है। इतना प्रिय इनके प्रति इतने तदात्म, महाप्रभु का भी ये प्रिय है, कहते इतने तदात्म है
कहते महाप्रभु का, इसलिए बोले श्री चैतन्य मनभिष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदातिकम। इसलिए श्री इसको श्री कौन कह रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते बोले श्री चैतन्य मनभिष्टम स्थापितम जन भूतले। अगर ये नहीं आते चैतन्य महाप्रभु जगत में जो काम के लिए आए थे ना, वो काम पूरे नहीं होता। इन्होंने ही इनकी इच्छाओं को जगत में इन्होंने ही पूरी की है, हैं? इसलिए महाप्रभु जगत में क्यों आए, इसलिए कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, कहते यही दुई हेतु तार लीला उद्गम। कृष्ण कौन है, बोले रसिक शेखर है। रसिक शेखर होने का नाते उनका भावना क्या, रस का आस्वादन करना। दूसरा बोले परम करुणा, महाप्रभु अत्यंत अत्यंत दयालु, अत्यंत अत्यंत दयालु होने का नाते जगत में उन्होंने क्या दिया है, हैं? एक तो रस आस्वादन किया, परम करुण होने का नाते जगत में जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव बड़े बड़े देवता लोग भी जिस प्रेम को पाने के लिए तरसते थे, कठोर तपस्या किया, लेकिन महाप्रभु ने कलयुग में वो दुर्लभ प्रेम को केवल ताली बजा करके भगवान के थोड़ी नाम करने पर वो प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए जिसके लिए श्री रूप गोस्वामी है, जिसके लिए रूप गोस्वामी महाप्रभु की मंगलाचरण श्लोक में क्या कहते हैं, कहते अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रियम हरि ही प्रट सुंदर दुति कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। ये श्लोक को महाप्रभु जब सुना, और दूसरे श्लोक क्या, जब उन्होंने श्री नाटक लिख रहे थे, ललित माधव विदग्ध माधव नाटक लिख रहे थे, जब मंगलाचरण में उन्होंने ये श्लोक सुने, फिर और दूसरा जो श्लोक है जो तुंडे तांडविनिते तुंडावली लब्धे, महाप्रभु इतना प्रसन्न इतने खुश हो गए, वो आनंद को हृदय में रख नहीं पाए, महाप्रभु हृदय में रख नहीं पाए, देख करके इतने खुश हो गए। फिर महाप्रभु क्या किया, स्वर्गधाम रामदर राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य सबको लेकर के आए, ला करके फिर महाप्रभु कहते हैं बोले रूप बताओ तो तुमने ये मंगलाचरण श्लोक में क्या लिखा है, अरे नाम की महिमा जो सूचक जो श्लोक तुमने क्या लिखा। अभी रूप गोस्वामी तो त्रिनाथ भी सुनिश्चर श्लोक की ये तो आदर्श है, थोड़ी अपना महिमा गाएंगे है, इसलिए वो संकुचा गए, बोलना नहीं चाहते। बोले बोलो ना एक बार। जब महाप्रभु बोले ये श्लोक को सुन करके इतने महाप्रभु का भक्त इतने प्रसन्न हो गए, महाप्रभु कौन क्यों जगत में आए क्या देना चाहते थे, ये श्लोक को महाप्रभु सुन करके इतने गदगद हो गए, इतने प्रेम में प्रसन्न हो गए। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने बोले सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन, ऐसे जो है, है? जो जो प्रेम जो अनर्पित चरण चिरात बड़ी दिनों से ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो प्रेम को महाप्रभु ने दिया था, वही प्रेम को स्वभक्ति श्रीयम है, स्वभक्ति श्रीयम अपना भक्ति राधा रानी, उसका जो श्री सौंदर्य मतलब जो मंजरी भाव जो जगत में देने के लिए आए थे। लेकिन ऐसे कौन है, श्री सचिनंदन गौरहरी, जो उन्होंने ये शब्द को बोले ना, महाप्रभु बोले जैसे सुंदर पानी में थोड़ी सी मिश्री दे दो मीठा हो जाएगा, थोड़ा नींबू दे दो और भी मीठा हो जाएगा, और उसमें थोड़ी सी कर्पूर डाल दो ना उसमें और भी सुगंध और भी टेस्ट हो जाता है, हैं? लेकिन बोले कर्पूर का परिवर्तन में तुमने क्या किया, उसमें एक बूंद शराब डाल दिया। स्फुरतु व सचिनंदन, बोले ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में हर समय स्फुरण स्फूर्ति प्राप्त हो, तुमने ये बोल कर ना थोड़ी सी उसमें शराब डाल दिया, बोले शराब नहीं उसमें थोड़ी क्या कर्पूर डाल दिया, उसमें और सुगंधित हो गया है। इसलिए महाप्रभु का जो स्वरूप को उन्होंने प्रकाशित किया अद्भुत रूप में, जिसको महाप्रभु भी सुन करके हृदय में गदगद हो गए। इसलिए कहते जो उनका नाम जो रूप दिया है, दूसरा गुरुदेव उदाहरण देते थे रथ यात्रा का समय में, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु है रथ यात्रा का समय में कुरुक्षेत्र में कैसे श्रीमती राधा रानी बड़े दिनों के बाद में श्याम सुंदर से मिले, है श्याम सुंदर से मिल करके राधा रानी जिस भाव का अभिव्यक्त कर रही है, हैं? उन्होंने एक काव्य शास्त्र का एक साधारण श्लोक, एक
प्रेमिका और प्रेमिका का एक श्लोक महाप्रभु बोल रहे थे, लेकिन महाप्रभु का जितना भक्त लोग थे ना, बोले ये सब मंडन सब लोग ये सब जगत का प्रेम प्रेमिका का ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? हैं हम लोग ने जहाँ नदी सुंदर बह रही है वहां पर वेद का जो बन में हम दोनों जो एक साथ में मिले थे वो जो आनंद हुआ, कभी ये सब बेकार बात क्यों कह रही? किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये चीज को केवल दो व्यक्ति वहां पर समझे, श्री स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी आकर के ठीक उसी के अनुरूप उन्होंने प्रिया अयम सोह सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितम, उन्होंने ठीक उसी श्लोक के अनुरूप महाप्रभु जिस भाव को सचमुच से बताना चाह रहे थे राधा जी की भावना से, हाँ क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो कुरुक्षेत्र में मिले राधा रानी श्याम सुंदर से, राधा रानी कह रहे हे श्याम सुंदर आप भी वही श्याम सुंदर, मैं भी वही राधा रानी हूँ, लेकिन हम जिस समय से वृंदावन में जहाँ पर सुंदर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर फूल जहाँ खिले हुए, जहाँ पर कोयल पंचम स्वर में कू कू कर रहे हैं, जहाँ पर मयूर केका कर रहे हैं, जहाँ पर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर सुंदर कदम और तमाल वृक्ष, जहाँ पर जब हम वहां पर निकुंज में जो मिलते थे वो जो आनंद था, यहाँ पर था आपका शरीर में कोई भी ब्रज का वैसे ही नहीं, यहाँ पर था पूरा के पूरा क्षत्रिय वैसे है, मयूर मुकुट कहाँ बंसुरी है कहाँ आपको कुछ तो है ही नहीं, यहाँ पर तो हाथी घोड़ा गड़गड़ शब्द हो रहा है सैन्य सामत। अगर हमें आनंद देना चाहते हो मेरे हृदय रूपी रथ में बैठो और बैठा करके आप हमको वृंदावन ले चलेंगे, जब वृंदावन में निकुंज में हम मिलेंगे तब रूप गोस्वामी ठीक ऐसे ही एक श्लोक लिख दिए। महाप्रभु जब आए आकर के जब उन्होंने देखा रूप गोस्वामी का लेखनी कैसे, उन्होंने उदाहरण दिया जैसे सोने की है, जैसे सोने की पाती अद्भुत उनको लेखनी हैंडराइटिंग है ताल पत्ते के ऊपर, महाप्रभु उसके ऊपर नजर गया, ताल पत्ते को निकाल करके महाप्रभु जब ये श्लोक को सुना है ना, महाप्रभु पढ़े हृदय में आनंद में हृदय गदगद हो गया और उसको पीठ पर महाप्रभु हाथ थपथपाए है, हाथ थपथपाए उसको पीठ के ऊपर, बोले रूप तुमने मेरे हृदय को कैसे पहचाना? लेकिन जब सभी भक्तों के सामने बोले महाप्रभु आपकी कृपा नहीं होना सही जाने जा रहे देहु जाना ही जाना दी तत्व भगवत महीनो मैम नचाम चिरम चिरम विचन्नम, इसलिए जब तक उनकी कृपा नहीं हो रहा तब तक हृदय वही सब, इसलिए यहाँ पर जो इनका जो रूप शब्द दिया है कहते केवल रूप इसलिए शब्द है, उसी समय महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोले बोले तुम लोग सबके सब श्री रूप गोस्वामी को आशीर्वाद करो जैसे मेरी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सके प्रकाश कर सके। सचमुच से उस समय जितने भक्त लोग थे ना सब श्री रूप गोस्वामी को कृपा करे स्वरूप दामोदर राय राम सर्व भट्टाचार्य जितने भक्त, इसलिए रूप मतलब है श्री जीव गोस्वामी कहते हैं रूप मतलब ये महाप्रभु का जितने परिकर महाप्रभु राधा रानी ये सबका रूप श्री रूप गोस्वामी। अगत रूपाय अतीत रूप भगवत प्रेम को जिन्होंने रूप प्रदान किया ये कौन है श्री रूप गोस्वामी, इसलिए बोले ततान रूप है प्रभुपाद के ततान मतलब होता है तनु विस्तारे तनो विस्तारे, इसलिए गुरुदेव इसकी कहते थे बोले तेन ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुह्यंति जत सुरय है, गुरुदेव इसको व्याख्या करते थे जैसे भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने क्या किया बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम स रहस्यं च तदग च क्रियाणाम गदितोमया है, इसलिए गुरुदेव बोलते थे जैसे ब्रह्मा के हृदय में भगवान सर्वप्रथम आदि कवि कौन ब्रह्मा उनके हृदय में स्फुरण किया, गुरुदेव बोलते आदि कवि ब्रह्मा नहीं है, इसलिए प्रभुपाद है प्रभुपाद जब जन्मादेश श्लोकों को व्याख्या करते हैं वो ततान रूपे है कहते आदि कवि कौन है बोले ब्रह्मा नहीं रूप गोस्वामी, आदि कवि कौन है बोले सनातन गोस्वामी, आदि कवि कौन है श्री श्री हमारे श्री राय रामानंद है महाप्रभु रूप की शिक्षा और सनातन शिक्षा और राय रामानंद संवाद है, इसलिए आदि कवि कौन है ब्रह्मा तो साधारण है यार, ये कहा ललिता विशाखा रूप मंजरी लवंग मंजरी राधा रानी की निकुंज के सब के सब राधा रानी की निकुंज के ये सब के सब ये कहा राधा रानी की अत्यंत प्रिय सब के सब, आदि कवि कौन है
रूप गोस्वामी है, इसलिए जिनके हृदय में प्रयाग में महाप्रभु बल रूप ये भक्ति रस एक अथाह समुद्र है जिसका कोई आर पार नहीं, लेकिन वो भक्ति रस समुद्र का मैं तुमको केवल एक बूंद चखवाऊंगा, केवल एक बूंद चखवाऊंगा, लेकिन महाप्रभु तो एक बूंद दिए लेकिन हम लोगों के लिए ना, इसलिए उन्होंने एक बूंद से उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने भक्ति रसामृत से उन्हें लिखा, इसलिए क्या नाम भक्ति, बोलो भक्ति नहीं, पहले भक्ति था लेकिन भक्ति को जो रस प्रदान किया है, रस कैसे बनेगा, अनुभव विभाव सात्विक व्यभिचार ये चार चीजें बनने पर तब रस होगा है, इसलिए रस रूप तो भक्ति रस, बोले केवल रस नहीं भक्ति रसा अमृत, फिर उनका नाम रखा अमृत, बोले अमृत नहीं पर सिंधु, क्या ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा, इसलिए श्री माधव कहते हैं जम कलि रूप शरीर नाधारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कौन कुठारी को उगाड़त। गुरुदेव इसी श्लोक को जब हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा होता था किसी स्थान पर गुरुदेव किसको बुलाए और नहीं बुलाए, लेकिन जब टेर कदम जाते थे ना टेर कदम रूप गोस्वामी का भजन स्थल गुरुदेव सबको बुलाते थे, भले ही ब्रजमंडल में कहीं आओ नहीं आओ लेकिन तुम सबके सब कहां पर टेर कदम में आओ, केवल क्यों टेर कदम से रूप गोस्वामी का भजन कुटरी जहां पर स्वयं श्री राधा रानी आकर के इनके लिए खीर बना करके राधा रानी है, इसलिए गुरुदेव सबको वहां पर निमंत्रण देते थे और वहीं पर गुरुदेव ये श्लोकों को व्याख्या करते थे है? जम कलि रूप शरीर नाधारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठारी को कौन उगाड़त। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं होते तो ब्रज प्रेम का है गुरुदेव उदाहरण देते, ब्रज प्रेम एक अथा समुद्र है महानिधि कहते कुठारी को कौन, उसमें गुरुदेव कहते थे उसमें जो ब्रज प्रेम एक घर के अंदर में ये बनता है, लेकिन कहते उसमें दो दरवाजा था, कहते दो दरवाजा खोला किसने, बोले श्री रूप गोस्वामी, बोले इसमें दो दरवाजा किया है भक्ति रस का, बोले एक भक्ति रसामृत सिंधु और एक है उज्ज्वल, ये दो ग्रंथ हमारे संप्रदाय में अद्भुत ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ तो सभी भक्ति भक्ति रस के लिए, लेकिन जो उज्ज्वल निर्मल जो ग्रंथ है वो सभी के लिए नहीं, केवल जो श्रृंगार रस उपासक है उनके लिए ये उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ, सभी के लिए नहीं, उन्होंने वो दो कबाटो किसी ने उघाड़े, बोले रूप गोस्वामी अगर ये नहीं आते तो ये ब्रज प्रेम हमें प्राप्त ही नहीं होता, इसलिए गुरुदेव बोलते थे जैसे गुरुदेव उदाहरण देते जैसे पिताजी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है अरब खरब रुपया का बिजनेस है बहुत रुपया पैसा, लेकिन जिस ट्रेजरी में रुपया पैसा रहता है जैसे पिताजी का चार पांच बच्चे हो लेकिन वो चाबी काठी किसको देंगे, क्या सबको दे देंगे चाबी काठी, चाबी काठी सबको नहीं देंगे, जो हो ना हर बच्चा होगा है जो समझदार होगा सचमुच से पैसा को कभी बर्बाद नहीं करेगा, मैंने जितने बिजनेस को बढ़ाया जो उसको आगे भी बढ़ाए, हर पिता तो यही चाहते ना हमारे बिजनेस को आगे को भी बढ़ाए है, इसलिए हमारे गुरुवर्ग भी यही चाहते, क्या हमारे गुरुवर्ग ने जो विचार हमें देकर गए ना, हम गुरुवर्ग हमें जो विचार देकर गए, हर गुरुवर्ग का इच्छा है मेरे परवर्ती समय ऐसे कौन है जो इसी धारा को आगे बढ़ाएगा, गुरुदेव ये ईंट पत्थर देकर नहीं गए वो विचार को देकर गए, जैसे महाराज जी हम लोगों को जो सिखा देते है ना यही गुरुवर्ग का देन है, हम महाराज कोशिश करते हैं तुम लोगों को यही चीज को देने के लिए, ईंट पत्थर सब कुछ नहीं है ईंट पत्थर, इसलिए हमारे गुरुवर्ग का जो विचार धारा सिद्धांत तत्व है ये चीज को जो समझ करके दुनिया में प्रचार प्रसार करे। एक दिन गुरुदेव खुद बोल रहे थे, गुरुदेव जब विदेश में गुरुदेव गए और उनने प्रचार किया और उनने बहुत वहां से बहुत पैसा बहुत भक्त लोगों को लाए, तो गुरुदेव एक दिन बोल रहे थे अगर इसी समय मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज रहते हैं कितने मेरे ऊपर में खुश होते, तो मेरी वाणी मैंने जो वाणी दिया है तुमने वाणी को सारा दुनिया में तुमने वाणी को तुमने प्रचार प्रसार किया, गुरुदेव खुद बोल रहे थे जितने भी गुरुदेव नित्य वर्तमान है लेकिन गुरुदेव बोलते अगर गुरुदेव प्रकट रूप में रहते तो मेरे ऊपर में कितने प्रसन्न होते, गुरु जी का क्या यही इच्छा गुरु जी का हमारी वाणी को कौन सर्वत्र, इसलिए बोलते दो तरह का सेवक है, एक है बपू, दो तरह का सेवा, एक बपू सेवा और एक है वाणी सेवा, इसलिए वो कहते थे मैं सारा दुनिया में जो कथा को प्रचार किया कितने भक्तों को मैंने लाया हूँ, गुरुदेव कितने खुश नहीं हो कितने प्रसन्न नहीं, इसलिए गुरुदेव कहते थे
वो चाबी काठी किसको हाथ में देंगे? हमारे गुरु वर्ग का चाबी काठी क्या? इनका विचारधारा, इनकी विचारधारा है, इनका यही चाबी काठी सबका हाथ में थोड़ी देंगे। होनहार बच्चे को हाथ में ही वो चाबी काठी तभी प्रदान करते। इसलिए महाप्रभु ने ये जो ट्रेजरी का चाबी काठी किसको हाथ में दिए? बोले रूप गोस्वामी को। बोले कहां पर दिए? बोले प्रयाग में, उन्होंने प्रयाग में ये चाबी काठी दिए है। इसलिए बोले तुमको भक्ति रस समुद्र है लेकिन एक बूंद तुमको चखवा रहे। इसलिए जीव गोस्वामी सुंदर उदाहरण देते हैं, रसगुल्ला खाए हो? रसगुल्ला खाए कि नहीं? रसगुल्ला में केवल रस ही रस होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाओ ना, जिसमें रसगुल्ला में पूरा रस ही, अब जो खाओगे रसगुल्ला क्या होता है, कभी कभी उसका जो एक दो ड्रॉप दोनों धार में गिर जाता है, हैं ड्रॉप, लेकिन वो चींटी के लिए, पिंपुड़ा के लिए ना, चींटी के लिए बहुत है। इसलिए कहते महाप्रभु तो एक बूंद दिया रूप गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी ने वो एक बूंद को लेकर भक्ति रसामृत सिंधु लेखा, लेकिन वो जो बूंद है ना, हम जैसे चिटा चिटी है, हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए यही, हमारे लिए ये बहुत है, ये इतना इतना ही हमारे लिए बहुत है। इसलिए इनका नाम महाप्रभु क्या नाम देते हैं? रूप देते हैं। और ततान रूप इनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्फूर्ति उन्होंने कराया, स्फूर्ति कराया तो उन्होंने उसको लेकर के सारा दुनिया में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को सारा दुनिया में प्रचार उन्होंने प्रसार किया है, हैं? इसलिए हम लोग अपने आप को जब हमें कोई प्रश्न करते हैं, तुम लोग क्या परिचय है, तुम्हारी परिचय क्या है, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग श्री रूपानुग है, हम लोग श्री रूपानुग है, हम श्री रूप गोस्वामी को हम अनुगत्य में हम रहने वाले हैं। इसलिए रूपानुगत तो है क्या चीज, क्यों हम अपने आप को रूपानुग कह करके इतने अभिमान क्यों करते हैं कि रूपानुगत है क्या चीज। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हम जब जय देते हैं ना, हर गुरु वर्ग को कहते हैं रूपानुग आचार्य वर्ज, ये हमारे गुरुदेव कौन है? रूप गोस्वामी की धारा के हैं, रूपानुग आचार्य वर्ज। लेकिन रूपानुग में जो सर्वश्रेष्ठ रूपानुग है कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम विलाप कुसुमांजलि। कहते ये विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इसको पढ़नी चाहिए। कहते इसी ग्रंथ में ये रूपानुगत है क्या चीज। विलाप मतलब होता है क्रंदन, जब रहते थे राधा कुंड में, जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक पुष्पों को लेकर के ठाकुर जी के चरण में देते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, उन्होंने एक एक श्लोक एक एक श्लोक को उन्होंने एक एक पुष्प रूप में लेकर के श्री राधा रानी के चरण में एक एक श्लोक को पुष्प रूप में देते थे। इसलिए अंजलि मतलब अंजलि में, विलाप मतलब उन्होंने कृष्ण राधा जी के विरह में क्रंदन करते हुए हैं एक एक पुष्प को राधा जी के चरण में जो दिए, एक एक श्लोक है कहती है श्री विलाप कुसुमांजलि ये ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में ये रूपानुगत्व कहते हैं कि वो रूपानुगत है क्या चीज, अब हम क्यों ये रूपानुगत बोल करके इतना अभिमान करते हैं उस ग्रंथ में। इसलिए हम ये चीज को शाम को हम श्रवण करेंगे, ये रूपानुगत्व हम क्यों चाहते हैं और ये रूपानुगत्व में क्या रखा हुआ है और हम इतने क्यों अभिमान करते हैं। और ये देन है श्री रूप गोस्वामी का, ये देन है केवल इन्हीं की अनुगत्य अगर कोई करेगा ना। अभी महाराज बता रहे थे ना, हर जो रागानुग है रूपानुग नहीं, हर रूपानुग रागानुग है, रूपानुगत का विशेष महत्व है। इसलिए इनकी कृपा से ही हमें थोड़ी बहुत जो गुरु जी के आशीर्वाद से जो गुरुदेव गुरुदेव ने रूपानुग महत्व जो बताए है, इसलिए रूप गोस्वामी का हम जितना महत्व जितना ऋणी है उससे ज्यादा ऋणी हम भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में। क्योंकि ये अगर नहीं होते ना, इतने जो अभी रूप गोस्वामी के ऊपर 3 दिन तक हर बत्ता अलग अलग इनका इतने ग्रंथ है, इसे तुम लोग भी कोशिश करना ये सब ग्रंथों को थोड़े थोड़े पढ़ने के लिए है। इतने ग्रंथ इनका रखा हुआ, इतने ग्रंथ उन्होंने क्या क्या ग्रंथ उन्होंने बना कर रखे। इसलिए और एक चीज देखो, केवल ये जैसे महाराज जी देखो चीज समझो, जैसे महाराज जी आपको एक श्लोक देते हैं, तुम लोग कोशिश करते एक एक श्लोक याद करने के लिए, लेकिन इतना इतना सोच कर नहीं, ठीक है महाराज एक श्लोक दे दिया किसी तरह से ठीक है, बड़े कष्ट से एक श्लोक बोला, नहीं तो सबको सामने नहीं बोलेंगे तो फिर अपमान हमको लगेगा, अपमान बोध होगा, इसलिए आकर के श्लोक बोलने नहीं, इसको साथ साथ में हम जो गोस्वामी ग्रंथ उसको हमें पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं खा लिया पी लिया सो गया,
और एक श्लोक याद करके आकर के बोल दे, नहीं, अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे समझना है, उसको आगे जाकर के आगे हम आगे बढ़ करके इस गोस्वामी ग्रंथों को हमें अध्ययन, कितना कष्ट करके गोस्वामी ने लिखे उसको हमें अध्ययन करनी चाहिए है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग ने हमें जो दिया है ना, हम कभी नहीं कर इन्हीं से उड़ी बन नहीं सकते। क्या दिया हमारे गुरु वर्ग, एक एक गोस्वामी, किस किस संप्रदाय में एक एक ग्रंथ मिलना कठिन है। हमारे संप्रदाय में एक एक गोस्वामी का ग्रंथ को देखोगे, एक ग्रंथ का भंडार गुरुवर्ग ने देख रहे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम ये गौड़ीय संप्रदाय में आए, बड़े भाग्यवान है। इसलिए तुम लोग भी कोशिश करो ये समस्त ग्रंथों को पढ़ करके अपना जीवन में भजन करते हुए और महापुरुष कथा को जगत में प्रचार और प्रसार करते हुए। बोले श्री रूप गोस्वामी पाद की। आज और किस किस का तिथि है? गोविंद दास प्रभु की और गौरदास पंडित की है। हाँ ठीक है, शाम को इनकी थोड़ी थोड़ी कथा सुन ले और तुम बच्चे लोग भी थोड़ी थोड़ी हाँ जो बोल सके कोशिश करना उनका विषय पर थोड़ी थोड़ी बोलने की। ठीक है, चलो अभी हम श्री रूप गोस्वामी का आरती करेंगे। ठीक है, हाँ सुन महाराज। श्री रूप गोस्वामी पाद की। हाँ आरती कर, गान बंद करते महाराज की जय। हरे कृष्ण आरती करो महाराज, अपना अपना कीर्तन कर। हमारा उत्साह हमारा उत्साह हमारा उत्साह हमारा उत्साह